डिप्रेशन ना भाई एक वाहियात चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा वाहियात। भाई दुनिया में तुम कहीं चले जाना, डिप्रेशन में मत जाना, ठीक है? इतना गंदा है भाई, ठीक है? एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस। कुछ लोगों को तो डिप्रेशन पता भी नहीं होगा होता क्या है डिप्रेशन, ठीक है? मम्मी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, कहीं नहीं जाना है कल मुँह, बाजार से सब्जी लेके आ जा। मैंने पापा को बोला था, पापा मैं ना डिप्रेशन में चला गया था। ठीक है, पता नहीं मेरे पापा एक यूनिक पीस है यार, मतलब उनके जैसा पीस ना मैंने आज देखा नहीं। नीट कर जल्ट आया, मैंने पापा को बोला, पापा इस बार ना सिलेक्ट हो गया, क्लियर कर दिया नीट। ठीक है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता ये इंसान ऐसा क्यों बन गया है। मुझे लगता है कि इसको पार्किंसनिज्म हो गया है, बट वो भी नहीं, 45 साल उम्र है उसकी, 45-46 होगी। पार्किंसन बुड्ढों को होती है, एक्सप्रेशन ही नहीं बनता है। कभी कॉल चिपकाया हुआ है चेहरे पर ऐसा लगता है, कभी खुश देखा ही नहीं चेहरा मैंने। मेरे को लगता है मेरा बाप भी डिप्रेशन में रहता है हमेशा, ऐसे कैंसर की तरह डिप्रेशन, ठीक है? मतलब किसी को भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं। कुछ लोग समझते हैं डिप्रेशन मतलब वो बंदा हमेशा सैड रहता है, अजीब तरीके से रहता है, किसी से बात नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तो वो उसका कैरेक्टर ख़राब है। मतलब है ही वो ऐसा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? वो कोई कैरेक्टर में कोई खराबी नहीं है किसी का, पर्सनैलिटी का वीकनेस नहीं है डिप्रेशन, मतलब उसकी पर्सनैलिटी वैसी है, मतलब एक लो स्टीम का बंदा है, ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन को ट्रीट किया जा सकता है, ट्रीटेबल क्लिनिकल कंडीशन ही है, एक अगर तुम कह लो एक डिजीज़ है। जब बंदा एक्सेसिव थिंकिंग करने लगता है ना कि मैंने बहुत गंदा किया है, गिल्ट बहुत अंदर आया था उसके अंदर, वर्थलेसनेस, मतलब उसको लगता है कि मेरी कोई कुछ है ही नहीं, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, ऐसा बहुत एक्सेसिव लेवल पर सोचने लगता है, एक्सट्रीम लेवल पर सोचने लगता है, तब ना ये गंदा फिर शुरू होता है, ठीक है? मत सोचो भाई इतना, भाड़ में जाए दुनिया भाई, भाड़ में जाए चीज़ है, होगी होगी, नहीं होगी नहीं होगी, मेरे से जितना हो पाएगा मैं करूँगा, नहीं हो पाएगा मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। इतना एक्सेसिव में सोचना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है इतना। इतना तुम सोचोगे तो काम कैसे करोगे, काम कैसे करोगे, क्या करोगे काम? दिमाग का तो पूरा मेंटल मास्टरबेशन कर हो जाएगा तुम्हारा। डिप्रेशन ना भाई बहुत कॉमन है, बट बहुत सीरियस है, इसको ना हल्के में मत लेना, सीरियसली लेना। कभी भी डिप्रेशन वाला बंदा तुमको मिलेगा ना तो ऐसे मजाक मत उड़ाना उसका, ठीक है? क्योंकि वो खुद ही कंट्रोल में नहीं होता है उस वक्त। मतलब समझो कि डिप्रेशन इज लाइक दलदल, कोई बंदा दलदल में फंसा हुआ है, गलती से उसके अंदर चला गया तो अकेले नहीं निकल सकता उससे, उसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, हो सकता है अगर बहुत सीवियर केस है तो मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी, दवाई की जरूरत पड़ेगी। डिप्रेशन का पहला ही ट्रीटमेंट का स्टेप होता है कि तुमको जो जैसा फील हो रहा है इसके साथ शेयर करो, जिसको जिससे तुमको लगता है कि हाँ मतलब ये बंदा या फिर जो भी है मुझे समझ सकता है, ठीक है? मेरी फीलिंग्स को समझ सकता है, यहाँ पर प्रॉब्लम बताने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। डू शेयर विद हिम और हर। जैसे कभी कभी किसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, लाइक किसी के साथ बहुत गंदा हादसा हुआ होता है, मतलब बहुत गंदा एक्सीडेंट वगैरह हुआ होता है, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ रहता है, पूरे सपने पूरे फ्लैशबैक्स आते हैं उसको, ठीक है? हमेशा तो उस वजह से भी उसको डिप्रेशन हो सकता है। किसी को फोबिया रहता है किसी चीज़ का, ठीक है? तो वो भी होता है, मतलब हो सकता है किसी का बहुत गंदा ब्रेकअप हुआ हो, किसी ने अपने बहुत ही ज़्यादा क्लोज वन को खोया हुआ हो, ये सब भी रीज़न बन सकते हैं डिप्रेशन के। उसने स्कूल लाइफ में कुछ होते हैं बच्चे, इसको बुली बहुत किया जाता है, ठीक है? छोटी छोटी बातों पे उसको बुली किया जाता है, उसको डांट सुनने को मिलता है घर में, ठीक है? तो ये सब ना इससे लोग ना सोशली डिस्कनेक्ट होते हैं, ज़्यादातर बच्चे सोशली डिस्कनेक्ट होते हैं, वो इन्जॉय नहीं करते हैं दोस्तों वगैरह को, वो ग्रुप में जाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि अवॉइड करते हैं। कौन चाहेगा भाई अपनी बुली करवाना, कौन चाहेगा टीज ज़्यादा होना, किसी को अच्छा नहीं लगता ये। किसी को OCD होता है, मतलब किसी को ऑब्सेशन होता है किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, मतलब समझते हो जैसे पहला प्यार होता है तो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होता है वो, मतलब कि यही सब कुछ है मैं जो, और कुछ भी नहीं है। लोगों को अलग अलग चीज़ों के प्रति ऑब्सेशन हो जाता है, अब वो चीज़ मान लो तुमको नहीं मिला, उसी के प्रति थिंक करते रह जाओगे, मेंटल फकअप हो जाएगा। प्रेगनेंसी के बाद भी डिप्रेशन देखा आता है, मतलब पोस्टमार्टम डिप्रेशन है ना, या प्रेगनेंसी के पहले भी हो सकता है डिप्रेशन, क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, इसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। वुमेंस में मेल की तुलना में 2 गुना ज़्यादा रिस्क रहता है डिप्रेशन का, क्योंकि वुमेंस में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन लेवल, उसका लेवल अप डाउन होता रहता है, ठीक है? तो एस्ट्रोजन जो होता है वो मूड चेंजेस करता है, ठीक है? अगर उसका लेवल डाउन हो गया उस फेज में डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कुछ कुछ में बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, जो साइकोटिक डिप्रेशन कहते हैं, साइकोटिक डिप्रेशन में उसको हेलुसिनेशंस होते हैं, ठीक है? डिल्यूजन्स होते हैं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें दिखने लगती है जो कि रियल में एग्जिस्ट करती नहीं है, जो और लोगों को नॉर्मल लोगों को नहीं दिखती है, उसको ऐसे साउंड सुनाई देने लगते हैं, ठीक है? जो रियल नहीं होती है, हेलुसिनेशन जैसे ड्रग्स लेने के बाद, हीरोइन चरस गांजा इसमें लेने के बाद हेलुसिनेशंस होते हैं। 10-15% वर्ल्ड वाइड जो पॉपुलेशन है वो अपने लाइफ टाइम में डिप्रेशन से कभी ना कभी वो
या तो फेस कर रहा है या फिर फेस कर चुका है पास्ट में। करेंट डाटा के अनुसार जो रिसेंट रिसर्चेस हुए हैं, जो सर्वे वगैरह हुआ है, उसमें 5% पॉपुलेशन जो है अभी वो डिप्रेशन में है। ठीक है, इंडिया में 1 में से 40 लोग, ठीक है, वो पास्ट डिप्रेशन को फेस कर चुके हैं और 1 में से 20 लोग करेंटली डिप्रेशन में है। कुछ कुछ लोगों में ये मतलब हाई रिस्क लोग होते हैं, जैसे कि इसका ब्रेकअप हुआ होता है, वीडो हो गया, या फिर अनमैरिड कपल्स होते हैं, या फिर डाइवोर्स्ड होते हैं। सिंपल सी बात है भाई, उसके लाइफ में कोई कलेश करने वाला है नहीं, है ना, झगड़ा करने वाला है नहीं, तो फालतू दिमाग करेगा क्या, उल्टी चीज़ें सोचेगा। अब मान लो तुम्हारी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी वाइफ है, ठीक है, सिंपल सी बात है, वो तुम्हारी लाइफ में कलेश करेगी, तुम 24 घंटे उसके बारे में सोचते रहोगे, तुम क्या घंटा डिप्रेशन के बारे में सोचोगे। 50% केसेस में ऐसा देखने को मिलेगा डिप्रेशन वाले केसेस में, जिसमें उसमें पेशेंट के अंदर कॉर्टिसोल लेवल जो है होता है हाई रहता है बहुत ज़्यादा। कॉर्टिसोल एक मतलब स्ट्रेस हार्मोन होता है, मतलब तुम अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो ना, तुम्हारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो जाएगा, एक हार्मोन है जो कि स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं कि अगर तुम्हारे फैमिली में ऐसा कुछ रह चुका है बहुत ज़्यादा पहले, मतलब मेंटल कुछ डिजीज़ वगैरह, तो उस केस में भी देखने को मिलता है। दो देखो भाई, दो एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन, है ना, एक होता है डोपामाइन। सेरोटोनिन जो होता है ना, वो मूड चेंज, मूड एक अच्छे मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो तुम खुश रहते हो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे खुश होते हो, किसी कोई काम को इंजॉय करते हो, चीज़ों को, ठीक है, वो सब सेरोटोनिन की वजह से होता है। अगर तुम अपने बारे में गंदा सोचते हो ना, अपने बारे में तुम खुद को डिफीट करते हो, या फिर खुद के बारे में गिल्ट करते हो, ठीक है, खुद को किसी से कंपेयर करते हो, कंपेयर करके खुद को नीचा समझते हो, ठीक है, उससे लो लेवल का समझते हो, तो वैसे कंडीशंस में ना, खुद के बारे में या किसी के बारे में भी स्ट्रेस वगैरह लेते हो, तो इस सबसे क्या होता है ना कि सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है ब्रेन के अंदर। और ये सेरोटोनिन जो होता है ना, वो बहुत सारे ब्रेन के फंक्शंस में इन्वॉल्व होता है, लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना, मतलब चीज़ें को मेमोराइज करने में, या फिर कॉग्निटिव थिंकिंग में, कि तुम बहुत सारी चीज़ें थिंक कर पा रहे हो, चीज़ों को इमेजिन कर पा रहे हो, इस सब चीज़ों करने में ना सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। और जब सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज होगा, डाउन होगा, ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं हो पाएगी तुम्हारे अंदर, ठीक है, तुम याद नहीं कर पाओगे चीज़ों को, मेमोराइज नहीं कर पाओगे, याद नहीं रख पाओगे, भूल जाओगे तुरंत बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी, ठीक है, काम में मज़ा नहीं आएगा किसी काम करने में। अब भाई, जो बंदा गुस्से में रहता है, जो बंदा उदास रहता है हमेशा, हर चीज़ में कमी निकालता है, खुद की हमेशा बुराई करता है, वो हमें खुश नहीं रहेगा, ऑब्वियसली खुश नहीं रहेगा वो। दूसरा केस होता है कि डोपामिन होता है, जो कि रिवॉर्ड सिस्टम में इन्वॉल्व होता है, मतलब अगर तुम कुछ करते हो, ठीक है, कुछ करते हो, तुम्हें जो चाहिए रिजल्ट वो तुमको मिलता है, ठीक है, तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। ठीक है, जैसे नशा करते लोग, नशा करने के आदि क्यों आते हैं, मज़ा क्यों आता है, डोपामिन रिलीज होता है, रिवॉर्ड सिस्टम ब्रेन में, रिवॉर्ड सिस्टम में इन्वॉल्व होता है वो, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के लिए, खुशी में वो डोपामिन रिलीज होता है। ठीक है, अगर वो डोपामिन का जो बनने का जो पाथवे होता है, उसमें कोई गड़बड़ी हो गया, ठीक है, तो वो ज़्यादा बनेगा नहीं, उस वजह से भी डिप्रेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, सर्कैडियन रिदम बोलते हैं कि तुम्हारा सुबह से लेकर के सुबह उठना और शाम रात को सोना, ये 24 घंटे में जैसे तुम्हारा लाइफ मतलब पूरा साइकिल रहता है ना, कि तुम कैसे रहते हो, सुबह में तुम्हारा मूड कैसा रहता है, दिन में मूड कैसा रहता है, सोने के बाद मूड चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा अगर तुम शाम को सोते होगे, तुम रियलाइज करोगे कि शाम को सोने के बाद ना एक अजीब तरीके का मूड हो जाता है। ये सब मेलाटोनिन जो होता है वो मूड को रेगुलेट करता है, डे टू डे लाइफ को सर्कैडियन रिदम बोलते हैं उसको। तो डिप्रेशन में ये सर्कैडियन रिदम बिगड़ा हुआ होता है। अगर किसी का सर्कैडियन रिदम बहुत बिगड़ा हुआ है, मतलब वो एक तरीके से काम नहीं कर रहा है, दिन में बहुत ज़्यादा सो रहा है, रात को नहीं सो रहा है, तो उसका सर्कैडियन रिदम बिगड़ गया ना, उस वजह से भी उसको डिप्रेशन हो सकता है। ठीक है, और मान लो जिसको डिप्रेशन है उसमें भी सर्कैडियन रिदम बिगड़ा हुआ है, बहुत सारी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, एक CBT होता है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, मतलब तुम किसी एक्सपर्ट बंदे से या फिर डॉक्टर से तुम जाते हो, काउंसलिंग करवाते हो, वो समझता है डॉक्टर तुम्हारे सिचुएशन को, तुम किस तरीके से थिंक कर रहे हो, अगर तुम खुद के बारे में बहुत ही ज़्यादा इनएक्यूरेट या सेल्फ डिफीटिंग थिंकिंग कर रहे हो, खुद के बारे में बहुत गंदा सोच रहे हो, तो वो उसको पहचानते हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो तुमको पता नहीं चल रहा था कि तुम क्यों हो डिप्रेशन में, वो उसको समझते हैं, है ना, और तुमको सही तरीके से थिंक करना सिखाते हैं। ठीक है, तो ये बिहेवियरल थेरेपी, काउंसलिंग बोलते हैं उसको, इस तरीके से होता है। ठीक है, आप फिर अगर ज़्यादा